हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है, हिस्ट्री की 16वीं क्लास है और आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी की लड़ाई की। भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये 1857 का विद्रोह था, उसकी बात कर रहे हैं। तो जानेंगे इसके बारे में एक ही वीडियो में बहुत कुछ। अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ इसको देखने के लिए। अब बहुत ज़्यादा आपसे बात ना करते हुए, जैसे कि आपको पता है कि प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद ही अंग्रेज़ों के राज में भारत में शोषण का एक नया युग शुरू हो गया। ये लूट थी तरह तरह की, आर्थिक लूट भी थी और राजनीतिक लूट भी थी। इस लूट ने हमारी धर्म संस्कृति और जो हमारा सामाजिक ताना बाना था उसको भी बुरी तरह से प्रभावित किया। धीरे 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 1833 तक आते आते अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और भारतीयों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दखलंदाजी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये था कि धीरे धीरे भारतीयों में जो था असंतोष भरता गया। आप ये कह सकते हैं कि बारूद का ढेर इकट्ठा होता गया और उसको किसी एक चिंगारी की ज़रूरत थी और उस चिंगारी का जो काम किया था वो चरवी वाले कारतूस ने किया था। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये 1857 का जब विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में उस विद्रोह के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो पाल्मरसन था, भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और उस समय जो मुगल किंग था वो बहादुर शाह जफर था। ये आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते, जो लोग नए जुड़े हैं अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो ध्यान रखें, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय पाल्मरसन, वायसराय लॉर्ड कैनिंग और मुगल किंग उस समय बहादुर शाह जफर। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि इस विद्रोह का कारण क्या था, तो इस विद्रोह के बहुत सारे कारण थे लेकिन इसका मूल कारण था असंतोष जनता में, रियासतों में, सैनिकों में असंतोष, व्यापारी, जमींदारी, किसान, शिल्पकार, मजदूर सभी में गुस्सा था। वो गुस्सा था ब्रिटिश पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि राजे, रजवाड़े, मजदूर, किसान, व्यापारी, सैनिक सब परेशान थे, ये कह सकते हैं कि सब उजड़ चुके थे। तो इस बगावत का, इस विद्रोह का जो मूल कारण था वो असंतोष था। लेकिन अब यहीं पर बात आती है कि इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, इमीडिएट या तात्कालिक कारण क्या था। जैसे मान लीजिए ना, जैसे इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में आजकल चल रहा है ना झगड़ा, इसराइल और गाज़ा या हमास के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो इन लोगों के बीच में जो संघर्ष है वो 70-75 साल से चल रहा है। हालात जो हैं धीरे 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 बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन अब झगड़े की वजह क्या बनी, इस समय जो झगड़ा पैदा हुआ या तात्कालिक रूप से झगड़ा जो पैदा हुआ उसकी वजह क्या बनी, जब हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल पर आतंकी हमला कर दिया, वो उसकी वजह बनी। तो उसी तरह से भारतीयों में असंतोष लंबे समय से चल रहा था, लेकिन ये असंतोष अचानक क्यों फट पड़ा, इस असंतोष के अचानक फटने का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। अब क्या सीन है ये चर्बी वाले कारतूस का, दरअसल एक नई किस्म की राइफल जिसे एनफील्ड राइफल कहा जाता है वो ईजाद की गई, उसका आविष्कार हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उसको अपनाया। भारतीय फौजियों के लिए नई किस्म की राइफल जिसे इनफील्ड राइफल कहते थे वो मंगाई गई। उसमें जो गोली पड़ती थी उसका जो टेक्निकल पॉइंट था वो ये था कि गोली या बुलेट के ऊपर कैप लगी होती थी, तो उसको बंदूक में लोड करने से पहले उस कैप को मुंह से काटना पड़ता था या मुंह से निकालना पड़ता था, मुंह में लेकर के उसको निकालना पड़ता था। अब ये अफवाह फैली कि वो कैप आसानी से निकल जाए, इसके लिए क्या है, उस कारतूस में या बुलेट में चर्बी का इस्तेमाल किया गया, चिकनाई के लिए चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और यह अफवाह फैली कि चर्बी जो है ये गाय और सूअर के मांस से बनी हुई है। इसको लेकर के हिंदू मुसलमान दोनों ही सैनिकों में गुस्सा पैदा हो गया, है ना। हिंदू कहने लगे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मुस्लिम कहने लगे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, समझ रहे ना। तो इसको लेकर ऐसा गुस्सा हुआ कि धीरे 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 फौजियों ने मना करना शुरू कर दिया कि भाई हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मेरठ से जो बगावत शुरू हुई थी उसकी वजह यही थी, मेरठ की जो बटालियन थी उसने चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। अच्छा, अब यहाँ ध्यान रखना आप कि मंगल पांडे का यहाँ क्या रोल है। कहते हैं ना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद कौन था, तो मंगल पांडे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि मंगल पांडे जो थे मेरठ से नहीं थे, मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल में एक जगह है बैरकपुर, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, मंगल पांडे इनकी जो बटालियन थी उसका नाम था 34वीं NI, NI माने नेटिव इन्फेंट्री, NI माने नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे की जो बटालियन थी या मंगल पांडे जिस बटालियन से जुड़े हुए थे, जिस फौजी बटालियन से जुड़े हुए थे, उसका नाम था 34वीं NI या नेटिव इन्फेंट्री। और कहाँ पर थे ये, बैरकपुर छावनी में थे पश्चिम बंगाल। तो मेरठ में नहीं थे ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में थे।
29 मार्च सन 1857 को इन्होंने अपने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। अच्छा ध्यान रखना, चर्बी वाले कारतूस की वजह से इन्होंने हत्या नहीं की थी। तात्कालिक रूप से इनके बीच में विवाद हुआ और इन्होंने उनके गोली मार दी। किसको गोली मार दी? बाघ और हेयर से इन दोनों गोली मारी थी और इन दोनों की हत्या कर दी थी 29 मार्च सन 1857 को। और बाद में कुछ ही दिन बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी भी हुई थी। 29 मार्च को इन्होंने उनको गोली मारी और 8 अप्रैल को जो है इनको फांसी हो गई। तो ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम बगावत जो शुरू हुई मेरठ से शुरू हुई, लेकिन इस बगावत की शुरुआत एक्चुअली मंगल पांडे ने कर दी। क्वेश्चन किस तरह का आएगा ध्यान रखना कि 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे थे। 1857 के विद्रोह की पहली गोली किसने चलाई? मंगल पांडे ने चलाई, ठीक है ना? ओके। लेकिन अगर वो पूछे चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह किसने किया, तो मंगल पांडे नहीं है वो। हालांकि गुस्सा उनके मन में भी रहा होगा, लेकिन उनका आपसी विवाद था। चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई या आम बगावत शुरू हुई, वो मेरठ से शुरू हुई। मेरठ में एक बटालियन थी, उसका मैंने नाम भी लिख रखा है 20 NI 20 NI 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को लेने से मना कर दिया था या चलाने से मना कर दिया। जब इस बटालियन ने चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से मना कर दिया तो जिन फौजियों ने ये बगावत की थी या जिन फौजियों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया था, उन्हें पकड़ के मेरठ में जेल में डाल दिया गया। अब अगले दिन क्या होता है कि जिन फौजियों ने हुक्म उदूली नहीं की थी, यानी कि सरकार का आदेश मान लिया था, वो तो बाहर थे, और जिन्होंने हुक्म उदूली कर दी थी वो जेल में थे। अब जो बाकी बचे हुए साथी हैं, अगले दिन जाते हैं मेरठ में कुओं में पानी भरने को। फौजी भाई, उस समय हैंडपम्प या टंकी से पानी थोड़ी आ रहा था, कुएं में पानी भरने जाते हैं। तो वहाँ पर कहते हैं कि कुछ महिलाओं ने उन्हें जो है कि भला बुरा कह दिया, उनको ताने दिए कि तुम्हारे साथ ही जेल में और तुम बाहर जाकर के आराम से घूम रहे हो। तो उनमें गुस्सा और भर गया। होता क्या, अगले दिन 10 मई को जो 20वीं NI है या 20वीं नेटिव इन्फेंट्री है मेरठ में, इसने बगावत कर दी। बगावत करके बहुत सारे अंग्रेज फौजियों अधिकारियों को मार दिया और मेरठ शहर पर कब्जा कर लिया। 10 मई 1857 को इस तरह से 20वीं NI ने बगावत की शुरुआत कर दी या आम विद्रोह की शुरुआत कर दी। ध्यान रखना, जो बगावत की जो शुरुआत की थी वो फौजियों ने की थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ की, इस फौजी बटालियन ने बगावत की शुरुआत की थी। लेकिन जब इन्होंने बगावत की शुरुआत की तो मेरठ और उसके बाद दिल्ली में आम जनता भी इनके साथ जुड़ गई। तो किसने बदल गया, ये आम विद्रोह या आम बगावत में बदल गया। समय क्लियर रहेगा ना, मंगल पांडे का क्या रोल था इसमें और मंगल पांडे की बटालियन का क्या नाम था और जो मेरठ में इसकी जो बगावत शुरू हुई कब शुरू हुई। मैंने इसमें डेट लिखी है, शायद मैं डेट लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 मई 1857। ध्यान रखना 10 मई 1857 को ये बगावत शुरू हुई थी मेरठ से, ठीक है। मेरठ को तभी एक टाइटल देते हैं ना, क्रांति नगर, मेरठ को क्रांति नगर कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं। यहीं से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इसके बहुत सारे राजनीतिक कारण भी थे। राजनीतिक कारण का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने धीरे 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 भारत की लगभग सभी रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया था। तो जितने भी अपदस्थ या उजड़े हुए रजवाड़े थे वो भी मौके की तलाश में थे, कौन सा मौका मिले अपना राज या अपनी रियासत वापस पाने के लिए। अच्छा चलिए साहब, तो मेरठ छावनी का नाम ये हो गया आपका, मेरठ में आम बगावत। अच्छा मैं लिखा तो है नीचे, मेरठ में आम बगावत जो शुरू हुई 10 मई को हुई। अच्छा यहाँ पर कमल और रोटी का क्या सीन है? ऐसा कहा जाता है कि क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए या लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, दूसरी जो बटालियन है उनके फौजियों को अपने साथ शामिल करने के लिए कमल और रोटी का इस्तेमाल किया गया था क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन आता भी है, खूब आता है। इसके अलावा ये जो आपने है ना लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है या डलहौजी की हड़प नीति है, इसके अलावा अंग्रेज़ों ने हमारे धर्म में या धार्मिक परंपराओं में सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में जो दखल दिया, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना, राजपूतों में कन्या शिशुवध पर रोक लगाना, तो इनको भी हमारे जो रीति रिवाज हैं उनमें दखल माना गया। तो इस सब को लेकर भी लोगों में गुस्सा था, ये असंतोष था। अब बात ही आती है कि मेरठ में बगावत हो गई 10 मई को, और अगले दिन 10 मई की रात को ही जो फौजी थे दिल्ली की तरफ को चल पड़े। दिल्ली और मेरठ नज़दीक ही हुए और
11 की रात को दिल्ली का घेरा डाल दिया जाता है और 12 मई की सुबह को दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। 12 मई सन 1857 को दिल्ली पर कब्जा हो गया, या दिल्ली में बगावत हो गई। अच्छा, जब दिल्ली में बगावत हुई, आपको पता है इस समय तक जो मुग़ल किंग था वो बिल्कुल ही नाम मात्र का हो गया था। जो मुग़ल बादशाह था वो नाम मात्र का हो गया था। वो आपको जानकारी होगी कि मुग़ल किंग से लाल किला खाली करवा दिया गया था, लाल किला खाली करवा लिया गया था और उसे कुतुब मीनार के का जो अहाता है, कुतुब मीनार में जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर रहने के लिए भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुग़ल किंग था वो किले में नहीं था, दिल्ली के किले में नहीं था, वो उसे किला उससे और उसके परिवार से किला खाली करवा लिया गया था और कुतुब मीनार के प्रांगण में कॉरिडोर में रहने के लिए भेज दिया गया था। खैर, फौजी आए, मेरठ से फौजी आए और मेरठ से जो फौजी आए तो रास्ते में और आम आदमी भी मिल गए उससे, कुछ दिल्ली के फौजी भी उनसे मिल गए और इन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद इन्होंने अनाउंस किया, उसे कहते हैं मुनादी, घेरने के बाद अनाउंस किया है मुनादी की और ये बताया कि हमारा मकसद क्या है। इन्होंने कहा दिल्ली में जो फौजी थे जिन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद दिल्ली की जनता को उनको मैसेज दिया कि भाई देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में अंग्रेज़ों ने किस तरह के गंदे रीति रिवाज अपनाए हैं, हमारे धर्म को, हमारे राजा महाराजाओं को सबको ख़त्म कर दिया है, इसलिए इन्हें उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। तो खैर, दिल्ली पर कब्ज़ा हो गया। अच्छा, दिल्ली पर जब कब्ज़ा हुआ तो क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली में विद्रोह का नेता कौन था। बहादुर शाह जफर को पता नहीं था क्या हो रहा है, ना उसके परिवार को पता था क्या हो रहा है। जब बगावत हो गई तो उसने दिल्ली में जो रेजिडेंट था उसे खबर भेजी। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के रेजिडेंट को खबर भेजी कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन बाद में फौजियों ने जब जफर को मोटिवेट किया तो जफर ने फौजियों का नेतृत्व जो था वो स्वीकार कर लिया। आप यहाँ ध्यान दें कि बहादुर शाह जफर जो कि नाम मात्र का राजा रह गया है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, लेकिन विद्रोहियों ने उसे अपना नेता चुना। क्यों चुना होगा? विद्रोहियों ने जफर को अपना नेता चुना और बहादुर शाह जफर को आज़ाद हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। उन्होंने कहा भाई भारत अब आज़ाद हो गया है और जफर जो हैं वो हमारे नेता हैं, जफर जो हैं पूरे भारत के या पूरे देश के बादशाह हैं। बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित करना या बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति करना या बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हिंदुस्तान की आज़ादी घोषणा करने का राजनीतिक महत्व था, क्योंकि अभी तक मुग़ल जो बादशाह थी वो कानूनी रूप से यहाँ से ख़त्म नहीं हुई थी, लीगली यहाँ से ख़त्म नहीं हुई थी, वो वैध वारिस था। जनता की नज़र में भी मुग़ल किंग का वजूद था, यह जनता अभी भी मुग़ल किंग को सम्मानित मानती थी। तो मुग़ल किंग को अपना नेता बनाने का मतलब ये था कि इसे एक राजनीतिक स्वरूप देना बजाय गदर या विद्रोह या क्रांति के आज़ादी की लड़ाई का रूप देना और जनता से समर्थन पाना। जफर ने पहले नानुकर की, लेकिन बाद में बहादुर शाह जफर जो थे वो विद्रोहियों के साथ हो गए और उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। अब जफर जो थे इस समय बहुत ही बुज़ुर्ग थे, तो उनके कामकाज में या विद्रोह को, विद्रोह की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए या उन्हें मूर्त रूप देने के लिए बख्त खां को चुना गया। तो दिल्ली में इस तरह से बख्त खां जो थे वो बहादुर शाह जफर के सेनापति बने या दिल्ली में विद्रोह के नेता बने। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर वक्त कहाँ आए तो आप जो है कंफ्यूज ना होना। अच्छा, वक्त कहाँ का एक सीन और भी है कि जब दिल्ली पर कब्जा हो गया तो राजकाज चलाने के लिए एक काउंसिल बनी, एक परिषद बनी, जिसमें सिविलियन पर्सन भी थे और सोल्जर भी थे। तो इस जो ये जो काउंसिल थी जो राजकाज चलाने के लिए बनी थी दिल्ली में, उसके जो चेयरमैन थे या नेता थे वो थे वक्त कहाँ। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली में विद्रोह का नेता कौन था। अगर जफर है ऑप्शन में तो जफर होगा, बखत खां जफर नहीं है बखत खां है तो बखत खां होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था तो बखत खां। या आपसे भी पूछे कि भाई दिल्ली में जो फौज थी उसने किसके नेतृत्व में अंग्रेज़ों को भगाया, दिल्ली पे कब्जा किया, तो बखत खां के नेतृत्व में। ठीक है ना, समझ गए। बखत खां का जो है सीन ये है, मैंने कहीं लिखा, हाँ लिखा है। तो जीनत महल कौन थी, ये बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। जीनत महल जो हैं बहादुर शाह जफर की पत्नी थी और युवा थी और काफ़ी समझदार भी थी, एम्बिशियस भी थी। तो इन्होंने विद्रोहियों के साथ मिल करके लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं कि युद्ध के मैदान में गई, लेकिन इन्होंने जफर के साथ मिलकर के, बखत खान के साथ मिलकर के विद्रोहियों का पूरा मार्गदर्शन किया। तो जीनत महल जो है बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। अब आपको पता है एक सवाल आपसे और पूछेगा कि जब दिल्ली में बगावत हुई तो कौन अंग्रेज रेजिडेंट था जो दिल्ली की रक्षा करते हुए मारा गया। उसका नाम था निकलसन।
निकलसन जो था वो दिल्ली की रक्षा करते हुए मारा गया था। अब जब दिल्ली पर दोबारा कब्जा हुआ किसका, अंग्रेज सरकार का, तो इस कब्जे को किसने अंजाम दिया था, उसका नाम था हडसन, ध्यान रखना, निकलसन हडसन। तो निकलसन जो था जब बगावत हुई 12 मई को तो उस समय मारा गया था, बाद में जब पुनः कब्जा हुआ दिल्ली पर तो वो कब्जा किया था हडसन ने, है ना। हडसन के बारे में अभी और बताएंगे। अच्छा आगे चलें, दिल्ली पर जो कब्जा हो गया फिर से अंग्रेज सरकार का, ध्यान रखना, मेरठ में बगावत 10 मई, दिल्ली पर कब्जा 12 मई, और दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा 14 सितंबर 1857, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। दिल्ली पर फिर से कब्जा हुआ 14 सितंबर को। आप देखें ना, दिल्ली में जब बगावत हुई, मेरठ में बगावत हुई, मेरठ के बाद दिल्ली में बगावत हुई 12 मई को, 4 जून को लखनऊ में बगावत हो गई, 4 जून को लखनऊ में बगावत हो गई, लखनऊ के बाद झांसी और कानपुर उबल पड़े, एकदम से बगावत जो थी वो तेज़ी से फैलने लगी। दिल्ली, कानपुर, फैज़ाबाद, रुहेलखंड, अवध, झांसी, बिहार, और उसके अलावा MP, पंजाब, हरियाणा के भी बहुत से इलाकों में गदर फूट गया, यहाँ तक कि उत्तराखंड में हल्द्वानी, चंपावत का काली कुमाऊँ जैसे इलाके जो थे, यहाँ तक बगावत फैल गई थी। बरेली और बड़े बड़े सेंटर की तो बात ही क्या है ना, छोटे छोटे इलाकों में भी बगावत जो थी फैल गई। अब जब ये बगावत फैल गई तो अंग्रेज़ों ने जो ध्यान दिया सबसे पहले दिल्ली पर दिया, दिल्ली पर कब्जे करने के लिए ध्यान दिया। तो 14 मई सन 1857 को दिल्ली पर कब्जा हो गया। अब जब दिल्ली पर कब्जा हो गया लेकिन बहादुर शाह जफर और उसका परिवार हाथ नहीं आया। पता चला, किसी मुखबिर ने खबर दी कि बहादुर शाह जफर जो हैं अपने परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे के तहखाने में छुपे हुए हैं। हुमायूं का जो मकबरा है, तहखाना समझते हैं, जिसे आपको कहते हो बेसमेंट, है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना बेसमेंट, आजकल खूब है ना चलन बेसमेंट का, तो वो पुराने ज़माने का नाम जो है उसका तहखाना है। ठीक है, पहले लोग बनाते थे घरों में ना अपने तहखाने छुपने के लिए या डकैतों से अपना माल वाल बचाने के लिए। तो हुमायूं के मकबरे के तहखाने में ये छुपे हुए थे, किसी ने मकबरी कर दी, पकड़े गए। पकड़ने के बाद आपको सभी को पता है कि बहादुर शाह जफर और जीनत महल, इनके दो बेटों को गोली मार दी। किसने मारी गोली? हडसन ने। मतलब अब ऐसा हुआ ना, जब बगावत हुई तो अंग्रेज़ों ने इतने जुल्म किए इस बगावत के दौरान, इतने जुल्म किए, वो ये चाहते थे कि भारतीय जो हैं दोबारा से बगावत करने की हिम्मत ना कर पाए, ऐसे ऐसे पनिशमेंट दिए जा रहे थे। तो बहादुर शाह जफर के जो दो बेटे थे उनका भी बेरहमी से कत्ल किया गया, और उनकी लाश जो है एक दो दिन तक नुमाइश के लिए रखी गई। नुमाइश समझते हैं, प्रदर्शनी, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो भाई हमने मार दिया। तो खैर, बहादुर शाह जफर के दो बेटों को गोली मारी, सवाल आता किसने मारी? हडसन ने मारी, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर के दो बेटों को गोली मारी थी हडसन ने, ओके ध्यान रखना। और जफर और जीनत महल को अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया, और हिरासत में लेकर आपको पता है कहाँ भेजा था? रंगून, है ना, सभी लोग जानते हैं ना। अच्छा, जैसे आप लोग नोट कर रहे हैं ना, तो जो चीज़ें आपको रटी हुई हैं, आपसे भी मैं कह रहा हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो जो चीज़ें आपको रटी हुई हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। PT के लिए क्लास है ये, प्रीलिम्स टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए क्लास है ये, मेंस के लिए अलग से नोट्स आपको बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तो अगर जो चीज़ें आपको रटी हुई हैं तो उसको लिखने में दोबारा अपना समय ख़राब ना करें, है ना। आमतौर पर सभी को पता है मेरठ से शुरू हुई लड़ाई, मंगल पांडे का क्या सीन था, बहादुर शाह जफर थे, लॉर्ड कैनिंग था, सभी को पता है। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ होती है? मंगल पांडे की बटालियन का क्या नाम था, तो ये हमें याद होना चाहिए। 34वीं NI, मेरठ में बगावत किसने शुरू की? 20NI ने, है ना। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ लिख रखा वो आप सभी कॉपी करें, जो आपको याद नहीं है आप उसे लिख लें, बाकी जैसे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो देख लें, उनको जो याद नहीं है वो लिख लें। अब दिल्ली की रक्षा करते हुए किसकी किसकी मौत हुई? निकलसन की। दिल्ली पर फिर से किसने कब्जा किया? हडसन ने। और जब दिल्ली पर फिर से कब्जा किया जा रहा था, या अंग्रेज़ फौज ने दिल्ली अंग्रेज़ फौज जब दिल्ली पर फिर से कब्जा करने का प्रयास कर रही थी, तो उसमें एक महत्वपूर्ण सिपाही अंग्रेज़ों का मारा गया था जिसका नाम था रिजले, ध्यान रखना। ये चीज़ें अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, इन्हें हमें लिखना चाहिए। तो दिल्ली पर फिर से कब्जे के प्रयास में रिजले मारा गया था। अच्छा, यहाँ पर लिखा मैं रंगून बदनसीब तख्ते, शॉर्ट में लिख दिया अपनों अपनी याद के लिए, ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इसलिए भी लिख रखी हैं ताकि मैं ना भूल जाऊँ आपको बताते बताते। तो रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया, रंगून में इनको नज़रबंदी में भेज दिया गया। फिर पूरे जीवन ये रंगून ही रहे, जो भी 4-5 साल इनके जीवन के बचे थे
वहीं रहे, वहीं मौत हुई। पहले बहादुर शाह जफर की मौत हुई, वहीं उनको दफन कर दिया गया, और फिर जीनत महल की मौत हुई तो उन्हें भी उनके बगल में ही दफन कर दिया गया। आज भी जब भारत से कोई डिप्लोमेट या कोई नेता म्यांमार जाता है तो वो बहादुर शाह जफर की समाधि पर ज़रूर जाता है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि वो प्रतीक बने थे बाद में बगावत के, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक थे, या अंग्रेजों से अंग्रेजों का विरोध करने के वो प्रतीक थे, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी समाधि है, और उस समाधि पर जो है कि एक लाइन लिखी हुई है, कितना बदनसीब है जफर। नहीं, ये लाइन नहीं लिखी हुई है, ये तो उन्होंने जो है कि बन गया है, उन्होंने कभी कहा होगा। बहादुर शाह जफर जो थे ना, शायर थे, उर्दू के शायर थे। बहादुर शाह जफर का जो समय था वो खुद भी जो थे वो उर्दू के शायर थे, उन्होंने उर्दू शायरी को बढ़ावा दिया, और जो उर्दू शायरी के नगीने हैं मिर्ज़ा गालिब है ना, उनको भी उन्होंने संरक्षण दिया था उस समय के लिए। मिर्ज़ा गालिब को संरक्षण दिया था जफर ने। तो वही वाली बात है, कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए, क्या है वो, दो गज जमी भी ना मिली दफन के लिए, कूचाए दयार में या कूचाए यार में, ऐसी कुछ है। तो बहादुर शाह जफर ने कहा था इस चीज़ को अपनी बेबसी पर। बेबसी क्या थी कि आखिरी समय पर मैं अपने देश से बाहर हूँ, अपने गर्भ में दफन भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इसी को लेकर एक अंग्रेज कमांडर ने कुछ कहा था बहादुर शाह जफर से, कुछ कमेंट किया था या टोंट किया था अरेस्ट करते हुए कि अब भाई अब तुम्हारा क्या होगा, ऐसे करके कुछ कहा था। तो उसका जो जवाब दिया था बहादुर शाह जफर ने, ये दिया था कि बाजुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा था ऐसे, कहे ऐ जफर अब ऐसी कुछ था, जफर अब अपनी जान का, अब जान की अपनी भीख मांगो, ऐसे करके कुछ अंग्रेज अफसर ने कमेंट किया था। तो कहा था कि बाजुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग माने तलवार। तो खैर जफर की बात बाद में सही हो गई, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद ये बगावत पहुंचती है लखनऊ में। तो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में लखनऊ यानी कि अवध का भी विलय हो चुका था। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके या हिरासत में लेकर के या कहाँ निर्वासित किया गया था, पता है आपको। अवध के आखिरी नवाब जो थे नवाब वाजिद अली शाह थे। अच्छा, इतिहास में उनके चरित्र को नकारात्मक रूप से दिखाया गया है, लेकिन उनका जो समय था अवध में सांस्कृतिक उपलब्धियों का समय था, लखनऊ में कथक जो नृत्य शैली है उसको उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया था, और वो खुद भी एक अच्छे कथक डांसर और सिंगर भी थे नवाब वाजिद अली शाह। और कहते हैं कि जब उनको निर्वासित किया गया, पता नहीं कहाँ भेजा गया, नहीं पता, कलकत्ता भेजा गया था उनको, निर्वासित करके कलकत्ता भेजा गया था। तो उनके पास जो कुछ पैसा वैसा था कलकत्ता में, उन्होंने अवध या लखनऊ की तरह इमारतें बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से बन ना पाई थी। तो जब उनको लखनऊ से निर्वासित किया तो उन्होंने एक गीत लिखा था, आप लोग कभी कभी सुन भी लेंगे उसको, बाबुल मेरा नहर छूटो जाए। उसकी पहली लाइन जो है वो ये है, बाबुल मोरा नहर छूटा जाए। तो ये गीतकार भी थे, ये संगीतकार भी थे, नर्तक भी थे, और इतिहासकार बहुत से इनको नेगेटिव रूप से दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब इनको निर्वासित किया गया तो लखनऊ से कानपुर तक लखनऊ की बहुत सी जनता की भीड़ इनके साथ साथ इन्हें विदा करने गई थी रोती हुई। कानपुर से लोग फिर इनके साथ वापस लौट करके आए थे। खैर जो भी है, तो इन्हीं नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हज़रत महल, जो कि लखनऊ में ही थी। तो जब बगावत हुई तो इन्होंने अपने एक छोटे से बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और बगावत कर दी, आज़ादी की घोषणा कर दी, और बिरजिस कादिर को इन्होंने नवाब घोषित किया। और वही हुआ, 4 जून को जब ये बगावत हुई तो लखनऊ में रेजिडेंसी पर फौजियों ने हमला कर दिया। रेजिडेंसी समझते हैं ना, जहाँ पर ब्रिटिश कमांडर रहता था, रेजिडेंसी पर हमला कर दिया और लखनऊ में रेजिडेंसी को आग के हवाले कर दिया, जला दिया। तो इस हमले में रेजिडेंसी पे जब बगावत जो विद्रोही थे उन्होंने जब हमला किया तो इसमें अंग्रेज कमांडर हेनरी लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया था। हेनरी लॉरेंस, ये सवाल आता है, ठीक है ना, हेनरी लॉरेंस जो था वो मारा गया। दिल्ली में कौन मारा गया,
रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए निकलसन, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस मारा गया। ठीक है, कानपुर में 5 जून को हुई है बगावत, लखनऊ के बाद कानपुर में 5 जून को हुई है बगावत। अच्छा, इससे पहले लखनऊ में जब बगावत हुई तो कुछ समय तक तो लखनऊ से ब्रिटिश फौज का नियंत्रण हट गया, लेकिन बाद में फिर से ब्रिटिश फौज ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और ये जो बेगम हजरत महल हैं अपने बच्चे के साथ या बेटे के साथ नेपाल पलायन कर गई थी और बाद में गुमनामी में नेपाल में ही इनकी मौत हो गई थी। ये हाथ नहीं आई, गिरफ्तार नहीं हुई थी, नेपाल में ही बाद में इनकी मौत हो गई थी। कानपुर में बगावत हुई 5 जून को। उसके बाद झांसी का आप लोग जानते ही हैं, झांसी में जो बगावत हुई है वो जून 1857 में हुई है। आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट या हड़प नीति शुरू की थी, दत्तक पुत्र निषेध नीति शुरू की थी, इसके बारे में डिटेल में हम जब आपको डलहौजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उसका लब्बो लुभाव यही है, सभी लोग जानते हैं कि उसने क्या किया था कि अगर ऐसी कोई रियासत जो अंग्रेज़ों ने बनाई है या अंग्रेज़ों के अधीन है, कोई भी ऐसी रियासत, देसी रियासत, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो अंग्रेज़ों ने स्थापित की है या अंग्रेज़ों के अधीन है या अंग्रेज़ों ने बना के दे दिए किसी देसी राजा को, उस रियासत का किंग, उस रियासत के किंग की डेथ हो जाती है और उसका कोई बेटा नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, तो रियासत को ब्रिटिश राज में मिलाया जा सकता है। अब इस फरमान से बचने के लिए बहुत सी रियासतें ऐसी थीं जिनके राजाओं के बेटे नहीं थे, तो उन्होंने बेटे गोद ले लिए अपनी रियासत को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए, बेटे गोद ले लिए, लेकिन डलहौजी ने नियम लागू कर दिया कि हम इस तरह से गोद लिए हुए बेटे को या एडॉप्टेड सन या दत्तक पुत्र को मानता नहीं देंगे। तो ये थी दत्तक पुत्र निषेध नीति, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इसी को कहते थे। जब मैं डलहौजी पढ़ाऊँगा तो इसको आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है। तो यही कुछ हुआ झांसी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके पति की मृत्यु हो गई थी, उनके पति का नाम था गंगाधर राव। ये आपसे पूछ सकता है ना, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव और इनका जो दत्तक पुत्र था, जो गोद लिया बेटा था, उसका नाम था दामोदर राव, ठीक है ना। जो बेटा गोद लिया गया था उसका नाम था दामोदर राव और इनके पति का नाम था, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका नाम था गंगाधर राव। अब झांसी को भी हड़प लिया गया, तो जब बगावत हुई तो इन्होंने भी बगावत कर दी और नारा दिया कि मैं अपना झांसी नहीं दूंगी। इन्होंने कहा भी मैं अपना झांसी नहीं दूंगी। बगावत हुई, बहुत बहादुरी से लड़ी ये, है ना। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद भी जो ब्रिटिश फौज के रूप में जो हाथी था उसके सामने ये टिक ना पाई। बहुत बहादुरी से लड़ी, इतिहास इनकी बहादुरी का गुणगान करता है, लेकिन बाद में ये भी शहीद हो गई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कहाँ की थी, क्या इनका नाम था, क्या पति का या क्या पुत्र का नाम था और इनको किसने मारा, किसकी गोली से ये शहीद हुई थी। कर्नल हीरोज़ की, कर्नल हीरोज़ की गोली से ये शहीद हुई थी और कर्नल हीरोज़ ने ही इनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए लिखा था, जो इनकी कब्र या इनकी जहाँ समाधि थी, जहाँ पर इनकी समाधि थी, उस समाधि पर कर्नल हीरोज़ ने लिखवाया था कि यहाँ पर वो महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। मतलब रानी झांसी इतनी बहादुर थी कि उनको मारने वाला भी उनकी प्रशंसा करने से नहीं चूका और उसने उनकी समाधि पर लिखवाया कि यहाँ पर वो महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी।